खबर श्रीगंगानगर के घरसाना क्षेत्र से है, जहां कोरोना वायरस प्रकोप के चलते प्रशासन और स्वास्थ्यकर्मी मुस्तैद हैं। बीसीएमओ सुशील चोटिया और सीएससी प्रभारी संदीप पचार की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है तथा बाहर से आए लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। डॉक्टर संदीप पचार ने बताया कि अब तक जितने भी सैंपल लिए गए हैं, सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का गहनता से पालन किया जा रहा है। बचने के लिए घरसाना सीएससी में तमाम जो प्रबंध है वो किए गए हैं। वही चिकित्सक जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं, जिसको लेकर श्री गंगानगर जिले के घरसाना में अभी तक एक भी कोरोना का मरीज जो है वो नहीं आया है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश भारती मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? हमारे यहाँ पे कोरोना से संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनवाया हुआ है, सेपरेट वार्ड है। अगर कोई ऐसा मरीज हमें लगता है कि ये कोरोना से संदिग्ध है तो हम उसको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराने के लिए, अभी तक कोई ऐसा मरीज आया नहीं है। और कोई ऐसा मरीज हमें लगता भी है, बाहर से मरीज आए हैं, तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और मरीजों का समय रहते हुए चेकअप किया जाता है और सारे प्रबंध किए हुए हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग वार्ड द्वारा घर घर में सर्वे भी किया गया है? घर घर में सर्वे भी किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि कोई मरीज बाहर से आया है तो उसके पेरीफ्री में हमारे स्टाफ को, हमारे डॉक्टर्स को और हमारी टीम को भेज के सर्वे करवाते हैं। बिल्कुल, तमाम जो चार चौबंद प्रबंध किए गए हैं आप देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टर हैं वो बिल्कुल मुस्तैद है ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वही तमाम बचाव के उपाय भी इनके द्वारा बताए जा रहे हैं। वही A1 TV तमाम लोगों से ये अपील करता है कि आप घर पे रहें ताकि इस वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे कैमरामैन धीरज के साथ विकास पारिक, A1 TV घरसाना। बुलेटिन में यहां पर वक्त चला एक और